अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की हरी चटनी। इसके लिए हमें चाहिए सब्ज़ धनिया और पुदीना, एक बड़ी गट्ठी धनिया जिसको हमने धो कर काट लिया है, और पुदीना इसको भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है। हमने तीन हिस्से सब्ज़ धनिए के लेने हैं और एक हिस्सा पुदीना लेना है। एक गिलास पानी, चार अदद हमने कच्चे आम लेकर उनका छिलका उतार लिया है और गूदा हमने हड्डी से अलग कर लिया। हाफ टी स्पून नमक या फिर हसब ज़रूरत। 6 से 7 अदद हरी मिर्ची लेकर हमने इनको इस तरह से काट लिए। अब हम ब्लेंडर लेंगे और बारी बारी सब चीज़ें इसमें डालेंगे। सबसे पहले पुदीना, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें, आम, नमक और एक गिलास पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट ब्लेंड कर लेंगे। एक से डेढ़ मिनट ब्लेंड करने के बाद आधा गिलास पानी और डालेंगे और अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। कच्चे आम की हरी चटनी तैयार है। अब हम इसको बोल में डालेंगे। आप इसको फ्रिज में रख कर 6 से 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं। देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी तैयार हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ।